वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं गुलमास जैकब और आप देख रहे हैं द डेविल मेड मी डू इट। नेटफ्लिक्स के ऊपर एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री आ रही है जो कि टोटली ट्रू स्टोरी है, 1980 की दिहाई में जो कि अमेरिका में हुआ उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है जिसमें एक शख्स को जेल से इसलिए रिहा कर दिया जाता है क्योंकि ये साबित हो जाता है कि वो पोजेस्ड था, उसको किसी डीमन ने पोजेस कर रखा था जिसने एक शख्स की जान ले ली। और जान कैसे ली है, 20 दफा स्टैब किया गया है, 20 दफा चाकू मारा गया है, बहुत ही गुस्से से एक इंसान को बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसके बावजूद उस शख्स को जिसने उसको कत्ल किया उसको रिहा कर दिया जाता है। तो इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी है जी, ट्रू स्टोरी है, ये हकीकत में ऐसा हुआ है अमेरिका के अंदर और इसका नाम है द डेविल ऑन ट्रायल। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, ट्रू स्टोरी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन रही है तो हम इसमें क्या करें, नेटफ्लिक्स तो इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाता रहता है। तो मेन मकसद क्या है जी इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का, वो डायमर भी आपको याद होगा, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के आपको बताई थी। इसका एक ही मेन मकसद है नेटफ्लिक्स का सारी डिमोनिक सीरीज निकालने का, सिंपथी फॉर द डेविल। सिंपथी फॉर द डेविल ये एक गाना है, एंथम आप इसको कह सकते हैं, जो कि ये चर्च ऑफ सेटन के अंदर जब भी शैतान के पुजारी वर्शिप करने के लिए जाते हैं शैतान को तो ये गाना वहां पर जरूर गाया जाता है, सिंपथी फॉर द डेविल, यानी कि डेविल से हमदर्दी रखना, शैतान से हमदर्दी रखना, क्योंकि शैतान जो है वो मासूम है, शैतान कुछ नहीं करता, इंसान जो है वो दरिंदा है, इंसान जो है वो जानवरों का ख्याल नहीं रखता, इंसान जो है वो माहौलियात का ख्याल नहीं रखता, इंसान मौसम का ख्याल नहीं रख रहा जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है और इस तरह की चीजें, सारा ले देके इल्जाम जो है वो इंसान के ऊपर लगाने के लिए इस तरह की स्टोरीज बनाई जाती हैं, इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं। अब मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूं और फिर आपने खुद फैसला करना है स्टोरी सुनने के बाद कि क्या ये शख्स वाकई ही पोजेस्ड था या फिर उस स्टोरी के बाद आपके जहन में भी वही चीज आएगी जो कि मेरे जहन में आई थी। तो चलिए इसकी स्टोरी पहले मैं आपको सुना देता हूं, फिर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो काले कोट के अंदर ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है टाई शाई लगाए हुए, ये 19 साल का जॉनसन है जिसके ऊपर ये केस चला था, जिसने कत्ल किया था। अब ये जो बच्चा 11 साल का आप देख रहे हैं इसका नाम है डेविड ग्लैटजेल। ये जो ग्लैटजेल फैमिली है उसमें 11 साल का बच्चा, ये आपको इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर आए थे भूत, इसके अंदर जी जिन आए थे और उसके बाद ये हो गया था पोजेस्ट। बेसिकली स्टोरी ये है कि ये एक नए घर के अंदर मूव हो रहे होते हैं, वहां पर ये बच्चा जाकर देखता है तो वहां पर इसको क्या नजर आता है, एक जिन नजर आता है जो कि जला हुआ है, उसकी स्किन जली हुई है और वो इससे कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा अगर तुम लोग इधर आए, यहां से भाग जो यहां पर कोई ना आए रहने के लिए। तो ये बच्चा जो है अपने माँ बाप को बताता है, अपनी फैमिली को बताता है, लेकिन कोई भी इसको सीरियस नहीं लेता है और फिर ये उस घर में मूव हो जाते हैं। जब ये उस घर में मूव हो जाते हैं तो ये बच्चा सबसे पहले क्या हो जाता है, पोजेस हो जाता है। इसके अंदर से बदरू निकालने के लिए, क्योंकि आपको पता है चर्च वहां पर ऐसे बदरू निकालने के लिए नहीं चला जाता था, चर्च सबूत मांगता था, तो सबूत के तौर पर वहां पर लोग क्या काम करते हैं, उनका नाम है जी जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने वाले उस वक्त मशहूर लोग थे जी, एड एंड लॉरेन। एड एंड लॉरेन वॉरेन जो है इनका नाम आपने सुन रखा होगा, ये लोग कंजूरिंग मूवी की जितनी भी सीरीज है वो इनके ऊपर ही बेस्ड है क्योंकि इन्होंने रियल पैरानॉर्मल जो इन्वेस्टिगेशन उस वक्त 1980 की दिहाई में जो होती थी वो ये लोग करते थे और इनके केसेस के ऊपर उन्होंने मूवीज बना के पूरी सीरीज बनाई है, जिसमें से एक जो मूवी इन्होंने बनाई थी कंजूरिंग सीरीज के अंदर वो थी द डेविल मेड मी डू इट, वो इसी केस के ऊपर थी। तो ये जो स्टोरी है बेसिकली इसमें होता ये है कि ये जो 11 साल का बच्चा है ये पोजेस हो जाता है डेविड, ठीक है, ये पोजेस हो जाता है, इसके अंदर से एक्सोरसिज्म करने के लिए चर्च से लोग भेजे जाते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो पता चलता है कि वाकई ये पोजेस्ड है, इसके अंदर एक नहीं 40-40 डीमंस हैं। उसके बाद क्या होता है कि चर्च भेजता है एक्सोरसिज्म के लिए और फिर इसका एक्सोरसिज्म होता है और जिस वक्त इसका एक्सोरसिज्म हो रहा होता है जो सेशन इसके होते हैं उसमें से एक सेशन के अंदर जो जॉन है, ये जॉनसन जो है ये भी वहां पर मौजूद होता है। अब स्टोरी ये है कि डेविड को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही होती हैं वो बदरूहें, तो जॉनसन क्या करता है उन बदरूहों को चैलेंज करके कहता है कि तुम इस बच्चे को छोड़ दो, इस पर रहम करो, तुम मेरे अंदर आ जाओ। तो होता ये है इनके मुताबिक, एड लॉरेन वगैरह के मुताबिक एकदम से शांति हो जाती है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वो चीजें निकल के चली जाती हैं जॉनसन के अंदर और ये है वो जॉनसन। अब होता यह है कि जब ये पोजेस हो जाता है उन डीमन से तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले अपने घर जाने लगता है क्योंकि ये आया होता है अपनी गर्लफ्रेंड के घर जहां पर ये सारा कुछ हो रहा होता है। ये डेविड जो है बेसिकली ये इसकी गर्लफ्रेंड का छोटा भाई होता है, डेबी उसका नाम है इसकी गर्लफ्रेंड का। तो फिर क्या होता है, ये डेबी के घर से जाता है जी, अपने घर जाने के लिए जब जाता है तो इसकी गाड़ी जो है वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, दरख्त में लग जाती है और ये इस बात का सबूत के तौर पर पेश किया जाता है कि ये पोजेस्ड था और इसने ये बात कही है कि जी गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं थी,
जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद क्या होता है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एड लॉरेन और जो वॉरेन है इन दोनों की आप देख सकते हैं, जो कि डेविड के साथ है, यानी कि ये बात हकीकत है, ये सच है, ये बच्चा वाकई पोजेस्ड था। लेकिन आप नोट करें कि एकदम से इसकी पोजेशन खत्म हो जाती है, जॉनसन पोजेस्ड हो जाता है और उसके बाद इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और उससे कुछ दिन के बाद क्या होता है कि डेबी जहां पर काम करती थी, वो उसका नाम बोनो था, बोनो के पास वो काम करती थी और बोनो ही के अपार्टमेंट में ये दोनों रहते थे, डेबी और ये। इन दोनों का शादी का प्रोग्राम था, ये पहले से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, डेबी और जॉनसन, तो वहां पर ये रह रहे थे बोनो के अपार्टमेंट में। तो बोनो जो है बहुत ही ज्यादा शराबी इंसान था, बहुत ज्यादा शराब पीता था, ड्रंक रहता था हर वक्त और लोगों से अब्यूज करता था, जिसकी वजह से उसने फैसला किया कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं शराब छोड़ दूंगा। तो अगले सैटरडे को उसने शराब छोड़नी होती है, उससे पहले वो पार्टी देता है, तो बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज को बुलाता है, जिसमें से उस दिन जॉनसन जो है ये भी जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर, उसके अपार्टमेंट में। और होता यह है कि जो इसकी गर्लफ्रेंड है डेबी, वो बड़ी खुश होती है कि जी ये शराब पीना छोड़ देगा। तो क्या होता है कि ये चली जाती है लेने के लिए उसके लिए पिज्जा, और पीछे से आती है, जब वापस आती है तो देखती है कि इन दोनों का झगड़ा हो रहा होता है, जॉनसन का और बोनो, जिसकी तस्वीर आपको यहां पर नहीं मिलेगी, एक टूटे हुए टेलीविजन सेट को लेके कि टीवी क्यों तोड़ा तुमने, ठीक है। तो इसमें हो रही होती है जी लड़ाई इन दोनों की, अब पता नहीं किसने तोड़ा था टीवी, लेकिन आप नोट करें इन दोनों का झगड़ा हो रहा होता है। और उसमें डेबी क्या करती है कि बहुत ज्यादा बदमजगी देखते हुए बाकी सबको कहती है कि आप चले जाएं, और इसको भी निकालने की कोशिश करती है, बोनो और जॉनसन के दरमियान आके इनका झगड़ा रुकवाने की कोशिश करती है। मगर क्या होता है कि जॉनसन बाहर तो जाता है लेकिन वापस आता है, वापस आकर ये उसका कत्ल कर देता है, 20 दफा इतने बेदर्दी से उसके ऊपर वार करता है कि इवन के चाकू का वार जो है पेट से होते होते उसके दिल की तरफ आता है। बोनो अगले कुछ ही घंटों में मर जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जॉनसन जो है वो निकल जाता है उस घर से और जाकर क्या करता है, दरख्तों के ऊपर देखना शुरू कर देता है, 2 मील आगे चला जाता है उस घर से। और उसके बाद ये दरख्तों की तरफ स्टेयर करता है, कुछ देर तक दरख्तों को घूरता रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि पुलिस जो है वो इसको पकड़ लेती है, पुलिस इसको पकड़ लेती है और बाद में इसके ऊपर केस चलता है। फिर आपको पता ही है स्टोरी का कि इसके ऊपर साबित हो जाता है कि इसने मर्डर किया है फर्स्ट डिग्री, और अदालत इसको 10 से 20 साल की सजा सुनाती है कि ये कैद रहेगा। लेकिन आप नोट करें कि ये कैद के अंदर सिर्फ 4.5 साल रहता है, और उसके बाद इसके अच्छे बिहेवियर की वजह से इसको छोड़ दिया जाता है। कोर्ट के अंदर जब ये इसका लॉयर कहता है कि ये पोजेस्ड था, इसने कत्ल नहीं किया है, उस जिन ने कत्ल किया है, तो उस वक्त से ये जो केस है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में आना शुरू हुआ, इतना ज्यादा मशहूर हुआ कि आसपास की जो दुकानें थी उसके ऊपर से लोग क्या किया करते थे, जब इसकी कोर्ट की हियरिंग होती थी लोग भर जाते थे, पूरी अदालत भर जाती थी सुनने के लिए कि फैसला क्या सुनाया जाएगा। तो ये केस जैसे ही शुरू होता है उसी वक्त जो जज है वो कह देता है कि जी कोर्ट किसी पोजेशन में बिलीव नहीं करती है, डीमन में बिलीव नहीं करती है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई हियरिंग नहीं करेंगे, और कुछ आपने कहना तो ठीक है, नहीं तो ये मर्डर है। तो केस जो है वो बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। और फिर क्या होता है कि इसका केस इस चीज में चलता है कि जॉनसन ने सेल्फ डिफेंस में क्या किया था, उसके ऊपर वार किया था, जबकि ये दोनों ड्रंक थे, जॉनसन भी ड्रंक था और बोनो भी ड्रंक था। अब कैद के अंदर होते हुए इसने डेबी से शादी की, इसने अपनी डिग्री कंप्लीट की, और उसके अलावा इसने और पढ़ाई की, इसने सर्टिफिकेट्स हासिल किए, और इसके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए कोर्ट ने इसको रिहा कर दिया सिर्फ 4.5 साल के बाद। उसके बाद से इसने डेबी से बच्चे भी पैदा किए, इन दोनों की शादी हुई, ये 30 साल तक इकट्ठे रहे। उसके बाद डेबी की डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ होती है, लेकिन आप नोट करें उसके बाद ये कभी भी पोजेस्ड नहीं हुआ है, ना इसको कोई ऐसे सिम्टम्स आए हैं कि ये पोजेस्ड है। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पोजेस्ट था और इसको उन्हीं 40 जिन्होंने पोजेस्ट किया था, जिन्होंने उस 11 साल के डेविड को पोजेस्ट किया था, तो डेविड की तो हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसकी हालत इतनी खराब नजर नहीं आती है। और उसके अलावा अगर आप नोट करें तो क्या पोजेशन सिर्फ 24 घंटे रहा, जो कि एड और लॉरेन ने इसके बारे में कहा था कि इसकी पोजेशन सिर्फ 24 घंटे रही थी। तो क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, क्या ये पोजेस्ड था, या इसका कोई वाकई इसको खुंदक थी, उसको मारना ही चाहता था तो इसने इस तरह की स्टोरी बनाई, क्या सच है क्या झूठ है, आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके अभी लिखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि इसने स्टोरी बनाई है। लेकिन मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, ये इस तरह की स्टोरीज इसीलिए उठाते हैं ताकि इंसान के जेहन में ये ख्याल आए, जो मेरे भी जेहन में ये ख्याल आया था कि ये झूठ बोल रहा है, ये कोई पोजेस्ड नहीं था, इसने पूरा प्लान किया होगा, क्योंकि पोजेशन वाला काम तो चल ही रहा था डेविड के साथ, तो इसने वहां से फायदा उठाया होगा। तो ये इस तरह की स्टोरीज इसलिए उठाते हैं ताकि आपके जेहन में यही चीज आए कि हाँ वाकई ये पोजेस्ड नहीं होगा, ये झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ डेविल के ऊपर इल्जाम लगा के खुद बचना चाहता है, जबकि डेविल ने तो कत्ल नहीं किया। तो बेसिकली सिंपथी फॉर द डेविल यहां पर पूरी होती है, जो इनका मकसद है कि जी डेविल कुछ नहीं करता, इंसान ही करता है।
और अगर आपने नोट किया तो कार्टून्स के अंदर हमें बार बार ये चीज़ दिखाई जाती है, जैसे एक साइड पे डेवल बना होता है और एक साइड के ऊपर एंजल बना होता है। एंजल एक कान में कुछ कह रहा होता है, डेवल दूसरे कान में कुछ और कह रहा होता है। डेवल कह रहा होता है जा बदला ले मार, लेकिन एंजल जो है वो कह रहा होता है छोड़ो माफ़ करो। इसी तरह आपको बेतहाशा कार्टून्स के अंदर इस तरह से ये आपको डेवल और एंजल जो है वो देखने को मिले होंगे। हकीकत ये है कि डेवल हम लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे जहन में ख्याल आते हैं, बुरे बुरे ख्याल जो आते हैं वो डेवल की तरफ से ही आते हैं। लेकिन इंसान के पास ये राइट होता है, इंसान के पास एक्शन लेने का, अमल करने का जो है वो पूरा पूरा राइट होता है। दैट मींस कि डेवल आपसे कुछ नहीं करा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपके जहन में आइडियाज डाल सकता है, आपके जहन में ख्यालात डाल सकता है, लेकिन करना इंसान ने खुद ही होता है। तो इंसान कभी भी किसी भी डेवल के ऊपर इल्ज़ाम ये नहीं लगा सकता कि भाई उसने मुझे कहा था तो मैंने कर दिया, जैसा कि इस सीरीज का नाम है द डेवल मेड मी डू इट। चाहे ये शख्स पोजेस था चाहे ये शख्स पोजेस नहीं था, इसके पास पूरा पूरा हक था, इसके पास पूरी पूरी ये अथॉरिटी थी कि ये उसकी बात सुनता या ना सुनता, उस पर अमल करता या ना करता। आप नोट करें, खुदा के कलाम में लिखा है सबमिट योर सेल्फ देयर फॉर टू गॉड, यानी कि अपने आप को खुदा के ताबे करो। रेजिस्ट द डेवल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। रेजिस्ट करना यानी कि शैतान का मुकाबला करो तो शैतान तुमसे भाग जाएगा। इसका मतलब यह है कि शैतान आएगा, मुकद्दसीन के पास भी आएगा, जो ईमानदार है के पास भी आएगा, उनको बहकाएगा, उनके जहन में फजूल किस्म की चीजें डालेगा, आपके जहन में फियर डालेगा, अजीब किस्म की चीजें डालेगा जो आपको शायद नहीं करनी है, आप नहीं करना चाहते, लेकिन वो ख्यालात कहां से आ रहे हैं, वो डेवल की तरफ से आ रहे होते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को खुदा के ताबे करना है। जब हम अपने आप को खुदा को सबमिट कर देते हैं, जब हम अपने आप को खुदा के ताबे कर देते हैं, उसके बाद फिर हम खुदा के कलाम से फाइट कर सकते हैं डेवल से। डेवल आपको कहता है तू नहीं कर सकता, लेकिन आपने उसको कहना है कि मैं मसीह के थ्रू सब कुछ कर सकता जो मुझे कुव्वत देता है। तो खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि स्टोरी सुन के क्या ये वाकई शख्स पोजेस्ड था, क्या डेवल ने ये कत्ल किया है, क्या इस शख्स के पास अथॉरिटी थी, क्या ये सुनता उसकी ना सुनता, वो करने देता उसको शैतान को या ना करने देता, क्या इसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं था, नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।